आईपीएल 2021 के 17वें लीग मैच में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 9 विकेट से हरा दिया। इस मैच में मुंबई के बल्लेबाजों की नाकामी एक बार फिर से सामने आई और इसी की वजह से ये टीम ज्यादा स्कोर नहीं कर पाई। पंजाब के गेंदबाजों के सामने मुंबई के बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए। हालांकि कप्तान रोहित ने 63 रन जरूर बनाए, लेकिन मुंबई जीतने के लायक स्कोर नहीं कर पाई और उसे हार मिली। टीम को मिली हार के बाद मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि हम पंजाब के खिलाफ पर्याप्त रन नहीं बना पाए। मुझे ऐसा लगता है कि ये विकेट बल्लेबाजी के लिए बुरी नहीं थी। आपने देखा कि किस तरह से पंजाब किंग्स के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की और मैच को 9 विकेट से जीत लिया। हमारी टीम के बल्लेबाज इस तरह की प्रक्रिया नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप इस तरह की विकेट पर 150 से 160 रन बनाते हैं तो आप गेम में बने रहते हैं। पिछले दो मैचों में हम पर्याप्त रन बना पाने में सफल नहीं रहे हैं और यही हमारी हार की वजह रही। रोहित शर्मा ने आगे कहा, पंजाब के गेंदबाजों ने पावर प्ले में काफी अच्छी गेंदबाजी की। ईशान किशन गेंद को मारने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। यही नहीं, मैं भी गेंद को हिट कर पाने में सफल नहीं हो पा रहा था। हम पिछले मैचों में पावर प्ले के दौरान अच्छी बल्लेबाजी कर पाने में सफल रहे थे लेकिन इस मैच में हम वैसा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि हमारी बल्लेबाजी में काफी कमी है और इसे दूर करने की जरूरत है। हम चाहते थे कि टीम में ऐसा कोई हो जो मध्य से स्पिनर्स के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी करे और सूर्य कुमार यादव यही कर रहे हैं। लेकिन अब आप इस तरह की चुनौतीपूर्ण पिच पर खेलते हैं तो आपको हर तरह की संभावना के लिए तैयार रहना होगा। जब आप कोशिश करते हैं और ये काम कर जाता है तो अच्छा दिखता है, लेकिन जब वही काम नहीं हो पाता तो बुरा दिखता है। रोहित ने आगे कहा, हम मैदान पर अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। जबकि कंडीशन मुश्किल होती है तो आपको समझने की जरूरत होती है किस तरह से बल्लेबाजी और गेंदबाजी करनी है। दोस्तों, इसी तरह की और क्रिकेट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल में ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें।